यूपी में गुंडों और माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने गैंगस्टर मुंशैद अली उर्फ मोना और उसके पुत्र आदिल उर्फ जुबी की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर मुंशैद अली उर्फ मोना और उनके बेटे पर अवैध रूप से धन अर्जित करने का आरोप है। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था। उसी आदेश का पालन करते हुए मुरादनगर थाने की पुलिस ने मुंशैद और उनके बेटे आदिल को डासना कस्बा में मौजूद करीब 35 लाख रुपए के मकान को नियमानुसार जब्त किया। थाना मसूरी में गैंगस्टर मुंशैद अली उर्फ मोना और उसके पुत्र आदिल उर्फ जुबी के खिलाफ 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मुंशैद अली एक अभ्यस्त अपराधी है जिसपे दिल्ली एवं गाजियाबाद में लगभग 25 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से ज़्यादातर अभियोग जो हैं वो जमीन संबंधी धोखाधड़ी हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी करके मुंशैद के द्वारा करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है और इसी के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी संपत्तियों की जानकारी की गई, जिसमें इसका डासना स्थित मकान और अलीगढ़ में काफ़ी अधिक मात्रा में भूमि पाई गई। इन सभी संपत्तियों के संबंध में जब्तीकरण की रिपोर्ट माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई थी, जिसके बाद उसमें जब्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। इसी आदेश के क्रम में उसके डासना स्थित मकान की जब्ती की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 30-35 लाख है और इसी क्रम में आगे उसकी अलीगढ़ स्थित भूमि की भी जब्ती की जाएगी। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर मुंशैद अली उर्फ मोना के खिलाफ दिल्ली NCR समेत गाजियाबाद में करीब आपराधिक 25 मामले दर्ज हैं, जिसमें अवैध रूप से जमीन कब्जाने जैसे मामले शामिल हैं। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।